गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ICICI बैंक PO के बारे में, जिसका रिक्रूटमेंट जो है आ चुका है 2019 के लिए, नया बैच के लिए। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो फ्रेंड, इसका जो है न्यू बैच 48 बैच का रिक्रूटमेंट आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले बात कर ली जाए तो पोस्ट है आपका PO, ठीक है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का पोस्ट है ये, ठीक है। टोटल वैकेंसी जो है डिस्क्लोज नहीं की गई है। इसका एप्लीकेशन फ़ी जो है बिल्कुल भी नहीं है, जीरो एप्लीकेशन फ़ी है, आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेंगी, ठीक है। आपका एज जो है मिनिमम 21 साल टू मैक्सिमम 25 साल, ठीक है, मिनिमम 21 साल टू मैक्सिमम 25 साल। क्वालिफिकेशन जो है आपका ओनली ग्रेजुएशन होना कोई भी डिसिप्लिन से, कोई भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और मिनिमम 55% मार्क्स होना, आपके कोई भी ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स होना, ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए तो आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं जिसको। उसके बाद होगा आपका GDNPI, ठीक है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको जो है 1 ईयर का PGDBM कोर्स करने के लिए मणिपाल जाना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं पे आपका सारा कोर्स वगैरह, फ़ी वगैरह सब, आपको लोन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। तो वहाँ से आप कोर्स करके फिर आपका 1 ईयर के बाद जॉब लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आऊँगा। लास्ट डेट की बात करी जाए तो इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है आपका 15 जून 2019 है, ठीक है, 15 जून 2019 इसका लास्ट डेट है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको वेबसाइट पर जाके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, www.icicicareer.com, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ही इस साइट पे आओगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। तो अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। अगर आप ओल्ड यूज़र हो, मतलब कभी आपने फॉर्म भरा था, कभी आपने एग्ज़ाम दिया था, तो लॉगिन पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। न्यू यूज़र पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका मेल आईडी वगैरह मांगा जाएगा, सिंपल सा डिटेल, उसको आप डाल देना, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में जो है आपको कुछ फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा, जैसे कि आपके डिटेल्स हो गई, फ़ोन नंबर, मेल वगैरह, जैसे कि आप फॉर्म भरते हो कोई भी, ठीक है। और आपको जो है अपना न्यू अपडेटेड रेज्यूम अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड, बहुत ही आसान होता है। अगर कोई भी दिक्कत होती है फॉर्म भरने में तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आऊँगा। तो जैसे ही आप इस पेज पर आओगे तो सिंपल से आपको करना क्या है, यहाँ पे से जो है आपको सर्च एंड अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहले अपना पूरा कंप्लीट कर लेना प्रोसेस, और जो पहले से ऑलरेडी किए हुए हैं वो लॉगिन कर लेना, और यहाँ पे सर्च एंड अप्लाई पे क्लिक करना, ठीक है फ्रेंड। जैसे ही सर्च एंड अप्लाई पे क्लिक करोगे आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा जैसे ही आप सर्च एंड अप्लाई पे क्लिक करोगे, ठीक है फ्रेंड। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और आपको जो है सेकंड लास्ट नंबर पे दिख जाएगा प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है। तो आपको जो है इस पर क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोबेशनरी ऑफिसर पे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने जो कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा जिसमें आपको सब कुछ डिटेल में दिया हुआ रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपका जो 1 साल का कोर्स होगा, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपका जो पहला 4 मंथ है उसमें आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होगी मणिपाल यूनिवर्सिटी में, बेंगलुरु में, ठीक है। उसके बाद 2 मंथ का इंटर्नशिप होगा ICICI बैंक में, उसके बाद 2 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग होगा मणिपाल यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में, उसके बाद 4 मंथ का जो है जॉब ट्रेनिंग होगा ICICI बैंक में, ठीक है फ्रेंड्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका, कोई भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन होना, आपका मिनिमम 55% होना, ठीक है फ्रेंड्स। आपका एज जो है 25 ईयर का होना चाहिए 15 जून 2019 तक, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, ओनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट विल बी इन्वाइटेड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। देखिए, आप फॉर्म तो भर रहे हैं लेकिन सभी को जो है यहाँ पर मेल नहीं आएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। काफ़ी कम बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, उसके बाद जो है उनको मेल कर दिया जाता है, ठीक है। 80-90% तो कर ही देते हैं मेल, ठीक है, 80-90% बच्चों को बुला ही लेते हैं, ठीक है, जो लोग एप्लीकेशन करते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है,
आपको जो है अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे अप्लाई हेयर पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली अप्लाइड हो जाएगा, आपको उनकी तरफ से मेल आ जाएगा कि आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है, इसमें कोई भी आपको फ़ी नहीं लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इसका प्रोसेस, बिल्कुल सिंपल है। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपने ध्यान रखना, गुड बाय।